जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। आप बताइए, इनकलाब आप बताइए, किस लिए जो है आज छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, यहाँ पे बैठना पड़ रहा है? VLD के स्टूडेंट है सारे बच्चे, हमारी 2.5 से 3 लाख की फीस है, हमारी साल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई और इन्हें ऑनलाइन क्लास लगी थी और इन्होंने हमारे पेपर ले लिए और हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी और ऑनलाइन पेपर लेने चाहिए थे इन्होंने, इन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों को फेल कर दिया और हार्ड चेकिंग थी, हम पहले भी इकट्ठे हुए थे जब इन्होंने बोला कि ठीक हम करेंगे आपकी सहायता, इन्होंने कोई नहीं की और और हमारी जब क्लास लग रही थी ऑनलाइन तो अध्यापकों ने ऐसे बोला था कि एक फॉर्म भरवाया था हमसे कि हम अच्छी गुड गुड कर दो यहाँ पे तो तुम्हारा अच्छे नंबर हो जाएंगे, तुम पास कर दिया जाएगा, और धोखे से हमसे भी भरवा लिया गई कॉलेज वालों ने और सभी बच्चे, कोई किसान का बच्चा कोई किसी का, तो घर वाले दोबारी पैसे नहीं लगाएंगे और मांगी पूरी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं अभी? हमें 24 नंबर चाहिए, हमें हमारा साल बर्बाद हो गया पूरा, तो हम क्या करेंगे, घर के पढ़ाएंगे नहीं कई बच्चों को तो दोबारी। तो आप चाहते हैं आपको पास कर दिया जाए? हमको पास कर दिया जाए या फिर ऑनलाइन परीक्षा ली जाए। पुरी जी, मेरे बापू ने लोन लेके मेरी पढ़ाया है जी, SDS कॉलेज का मैं छात्र हूँ, ठीक है जी। 2.5 से 3 लाख मेरी फीस है, पहले मार दीजिए डंडा की फीस दे उतारी, पूरी फीस दे दी, फिर हमारी क्लास से भी कौन लगाई, सारी ऑनलाइन क्लासें थी जी। ऑनलाइन में आदमी कितना पढ़ लिया, कितना बालक समझ लेगा, आज ज़्यादा तो मार नेट का रिचार्ज का खा मर गए जी, है ना कि मैं पढ़ाया ना कि मैं समझ में आया, फिर मारती नहीं बोले कोई नहीं पेपर ऑनलाइन हो जाए या जो भी होंगे लारे दिन दे रहे, ये पेपर ले लिए ऑफलाइन। तो आप VLD के 1 ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सारे भाई? देखो जी, बात ऐसे है, पहले तो बोल दिया कि भाई मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगा के कि भाई बाद में देखेंगे जो भी होगा, ठीक है। और अभी बोल रहे हैं कि जैसे रिजल्ट इतना ख़राब आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए, ये तो नहीं है कि भाई मतलब सभी के घर में कंपनियां लग रही हैं, बड़े बड़े टाटा बीड लागे हैं, सब मजदूर हैं, किसान की फैमिली तो बिलोंग करें सारे, तो भाई कुछ तो कुछ समाधान होना चाहिए, या तो प्रमोट करा जावे या एक मौका दिया जावे, तो बस यह अपील है कि भाई या तो एक मौका दो या फिर प्रमोट करो। रेंज की भी दिक्कत रहती थी तो हमने कहा स्कूल कॉलेजों में बताया भी गया लेकिन कोई नहीं हुआ, ऐसे कहते थे कि जब कॉलेज वालों के नेटवर्क में दिक्कत आ जाती थी तो कहते थे कल क्लास होगी, हमारे साल में दो तीन टीचर बदले गए, पता भी नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए हम आज आपके लीडर कौन है? लीडर सभी बच्चे अंदर गए हुए हैं बात करने, ज्ञापन देने के लिए गए हुए हैं। और भाई पूछ रहे पीछे बैठे, बताओ भाई। पहले साल स्टार्ट होते ही ना तो स्टाफ था कॉलेज के अंदर, फीस का कति लठ दे रखा था हमारा, अगर फीस भरो फीस भर दी, फिर कोई स्टाफ नहीं आया, स्टाफ आया फिर उसके बाद क्लासेस लॉकडाउन हो गया, बंद रही, लॉकडाउन खुलते पेपर ले लिए गए सीधे, और पहला ये बोला गया था कि भाई आपको ऑनलाइन पेपर होएंगे और आपको आपकी जो मार्किंग वो लूज़ मार्किंग होएगी, ना तो कोई लूज़ मार्किंग हुई और ना कुछ छूट दी किसी प्रकार की, पूरी हार्ड मार्किंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस पूरा पेपर था, जो पढ़ाया गया उसमें से नहीं था। तो अभी आपकी मांग है भी आपको पास कर, हमको पास किया जाए, इसके इसमें ना थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कॉलेज में तो ओनली 20 दिन कॉलेज ओपन हुए थे बस, उसके बाद ऑनलाइन क्लास थी, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया। प्रैक्टिकल तो कभी कोई नहीं कराया गया हमसे, कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया गया, MR कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं रजत दलाल, मैं बोल रहा हूँ ये बात, कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया MR कॉलेज ने कभी भी। तो आप विभिन्न कॉलेजों से हैं? हाँ, हर एक अलग बच्चे अलग अलग कॉलेजों से हैं। हाँ जी, कितने कॉलेज? अलग अलग। हाँ, अलग अलग कॉलेजों से आए। कॉलेज के स्टूडेंट हैं? MR 11 कॉलेज है, Apex और भी कई सारे कॉलेज हैं, SDS बच्चे जिन्होंने मतलब खाली पेपर दे रखा है पर फिर भी वो पास कर रखे, खाली पेपर छोड़ के जा रहे हैं और रिजल्ट आ तो भी पास दिखा रहे, कोई रूल रेगुलेशन से पेपर चेक नहीं हो रहे, कोई रूल रेगुलेशन पेपर चेक नहीं हो रहे, अपनी मर्जी से एग्जाम दे दिए, जिस बच्चे कुछ नहीं आ रहा वो पास हो रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। हां जी, जिस बच्चे कुछ नहीं आ रहा था वो बच्चे पास है और जो होशियार बच्चे थे वो फेल हो रहे हैं, तीन एग्जाम बहुत अच्छे हुए थे उसमें फेल है। अच्छे, आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ तो और आपको फेल कर दिया? हाँ, अच्छे से चेकिंग भी नहीं हो रही सर। अच्छा, हार्ड मार्किंग है। आप देख पा रहे थे ये तस्वीरें, इस समय
वीसी ऑफिस के आगे की है, जहाँ से काफ़ी स्टूडेंट जो है इस, हाँ जी बताइए क्या कहना चाहेंगे, बताइए। राम राम सभी दर्शकों ने, सारे जनता राम राम। हम वी एल डी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर के बाले कार्ड आ रहे हैं लवास यूनिवर्सिटी में। हम हमारी ऑनलाइन क्लास लगी थी, जो अच्छे से नहीं लगी, ना हमारे को समझ में आया करता, और सारे आए हैं। हमारा मेन मुद्दा है सारे भाई पास करो, हमारा साल व्यर्थ नहीं जावे। कई कई लाख रुपये लाग रहे सारे भाई गए, और गरीब परिवार तो हैं, किसानों है, बालक हैं, ब्याज उठा रुपये दे रखे हैं, ना हमारी इतनी मदद। 12 वर्ष का हम चाह हाँ सारे भाई पास हो जावे, बस ये मुद्दा हमारा रखने का। मैं हम पंचकूला पढ़िया आ रहा हूँ, श्री राम कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो पंचकूला वालों का भी यही एग्जाम हुए, यही यूनिवर्सिटी लगती है? यूनिवर्सिटी यही अलग है, प्राइवेट कॉलेज है हमारा, इसे यूनिवर्सिटी के अंडर में है सारे कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है हमारा, वीएलडी फर्स्ट ईयर। साल का होता है? 2 साल का डिप्लोमा हमारा। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सभी? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल बालक आ रहे हैं, हम इकट्ठे होकर आ रहे हैं। हम चाह वहाँ हमारा साल बर्बाद नहीं जाए, किसे आएगा। और कई कई लाख रुपये फीस भर रखी हमने, जो ब्याज बैठा भर है, कई भाई ने, कई गरीब परिवार तक, कोई किसान है बालक से। तो हमारा मैन मुद्दा ये है सारे भाई समाधान हो जा, सारे पास हो जावा, हमारा साल व्यर्थ ना जावे। और कई भाई सेकेंड ईयर 2-2 साल व्यर्थ चले गए, और किसी दिन ना छोटे कि जावा हम, हमारा ये मुद्दा सारे भाई पास हो। ऑप्शन थी उसी वो लेट होने लग रहे, फिर अगला सेशन लेट हो जाएगा, और सेशन लेट हो रहा है, और 2-3 साल होने लग रहे हैं वो तो। और ऑनलाइन क्लास लगी थी, हमारे पेपर ऑफलाइन होने लग रहे हैं, ऑनलाइन पेपर नहीं लिए गए, सबके ऑनलाइन पेपर हुए हैं। धन्यवाद। ये विद्यार्थियों का जो वीएलडी के विद्यार्थी हैं, जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, ये कोर्स 2 साल का होता है, इसमें 1 साल में 7 पेपर होते हैं। और जो अब की बार जो कोविड के अंदर ये दिसंबर के महीने के अंदर एग्ज़ाम हुए थे, उसमें बच्चों को बड़े स्तर पे फेल किया गया है, यानी 70% से 75% बच्चे यानी बुरे तरीके से फेल किया गया। जब हम रिजल्ट की कॉपियां देखते हैं तो उसके अंदर अब देखेंगे तो एक बच्चा सभी उसमें देखेंगे तो एबसेंट दिखा रखा है, टोटल ऑफ नंबर में पास दिखा रखा है, यानी बड़े स्तर पर धोखेबाजी विद्यार्थियों के साथ दान लगी हुई है। यानी बच्चे कोविड के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई थी, हम पूछ रहे हैं कि प्रशासन एक तो कोविड के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा, दूसरी तरफ ऑनलाइन परीक्षा ले रहा, उसके अंदर भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहा, यानी 30-40% पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। ये जो वीएलडी है, एक डॉक्टर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि एक पशु को या भेड़ बकरी या गाय भैंस को कैसे इंजेक्शन लगाना है। लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से गाय पशु तो इन्होंने खड़ी नहीं करी, बच्चों को बताया नहीं इंजेक्शन में कितना ml दवाई डालनी, और ऊपर से ये फेल कर रहे हैं प्रैक्टिकल के नाम पर, बच्चों के धोखाधड़ी है। तो इसके लिए हम आज विद्यार्थी इकट्ठे हुए थे, ये जो नाजायज रिजल्ट निकाल रखा है इसको दुरुस्त किया जाए, सभी बच्चों को बिना कोई शर्त। देखो हम ये भी नहीं कह रहे कि बच्चा पढ़ने वाला बच्चा फेल भी होता, लेकिन इसे इतने बड़े स्तर पे जो फेल किया ना, ये यूनिवर्सिटी की सह के बिना नहीं हो सकता, सभी बच्चे फेल नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, सोशल साइंस के, तो उन्हें ये भी कह सकते हैं कि भाई पढ़ते नहीं होंगे, साइंस के बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे। तो हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि ये रिजल्ट को दोबारा रिवाइज किया जाए, सभी बच्चों को पास किया जाए, जो आउट ऑफ सिलेबस था उसकी ग्रेस मार्क दी जाए, कोई बच्चा फेल ना हो, ये हमारी विद्यार्थियों SFI की तरफ से एक डिमांड है। नाम बताइए। मेरा विनोद गिल नाम है, SFI का राज्य अध्यक्ष। कुल मिला के हम पूरे हरियाणा के अंदर प्राइवेट कॉलेजों के विद्यार्थी 1550-1600 इतने ही मन है। इनकी एकता बनाना, यानी वाइस चांसलर विद्यार्थियों की एकता होगी तो मैं बात